गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ मातेश्वरी नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक तरफ मीन राशि का शनि 7:30 ही चल रहा है और इस समय एक 7:30 के दौरान भी जहां 7:30 में करीब करीब जिंदगी का 70-75% नुकसान, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, बदनामी, लॉसेस, धनहानि, प्राण पीड़ा, एक्सीडेंट, रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, यात्रा में परेशानी, कुत्ता काटा, सांप काटा, मानसिक तनाव, टेंशन, पीड़ा, धोखा, लवरा लवरी, पति पता, धोखा धोखी, भाग गया घर छोड़ के, गहना बिक गए इत्यादि समस्या रहता है। बच्चों को स्कूल फीस भरने के लिए नहीं आई, ईएमआई ऋण में डूब गए। उस एक बड़े नेगेटिव कंडीशन दौर में भी फेब्रुवरी का महीना ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार बहुत मस्त होने जा रहे हैं, सॉलिड होने जा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन बोलते हैं ना, जब काल समय खराब हो, अच्छा चीज भी बैकफायर करके बुरा रिजल्ट देता है। स्वाभाविक बात है, सब कोई बोल रहे हैं कि मीन राशि 7:30 ही चल रहा है, 7:30 चल रहा है, फटेगा, फूल होगा, फट के फूल होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि फायदा है, लाभ है, मस्त है, बढ़िया है, बमबमाएगा फेब्रुवरी में, पैसा बारिश होगा, भाग्य खुल जाएगा, लाभ ही लाभ है। ये राशिफल वाले वेद के बारे में थोड़ा सा नहीं बताते। ठीक है, लाभ दिख रहा है, ठीक है, इस महीना आपका 7:30 आउट नहीं होगा, शनि कंबस्ट हो जाएंगे, कहां से होगा। और ठीक है, इस महीना का शुरुआत ही चार चार ग्रह लाभ स्थान में, और ये जानते हैं कि लाभ स्थान में कोई भी ग्रह किसी भी कीमत में खराब फल नहीं देता। ठीक बात है, मानता हूं, चंद दिन का बात है, लेकिन ठीक उसके बाद आपके द्वादश क्षेत्र में बाकी लोग भी तो आ जाएंगे। फिर से खर्चा, टेंशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचरी, यात्रा। अभी तो एक शनि पागल बना रहा था, अभी सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध फेब्रुवरी के बाद सब द्वादश में घुसेंगे। तो जब ज्यादा हुजूम द्वादश में होगा तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे घटना आपके समक्ष आएगा जो समझ से परे रहेगा, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा तो है लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, और ये टाइम है ठगाने वाला टाइम, ये टाइम है बहुत कुछ गड़ा मुर्दा उगड़ने का, उखाड़ने का टाइम। इसलिए फेब्रुवरी महीना का लाभ को देख के खुश नहीं होना, क्योंकि मार्च के बाद तो और भी नौटंकी होने वाला है। इसलिए फेब्रुवरी महीना गोल्डन, लेकिन किसके लिए? जो लोग विगत एक साल से शनि का बात मान के, समझ के, सुन के, आपकी कुंडली में शनि क्या बोल रहा है इसको जो समझा है, उस तहत काम किया है, उस मीन राशि वालों के लिए इस समय लाभ का समय है, लाभ दे सकता है। मेरे 7:30 में भी बैठे बैठे 14 लाख कमाया था ऐसे ही कंजक्शन से। तो मैं इसमें दोहराए नहीं हूं कि इस समय लाभ नहीं मिलेगा, खाली लॉस ही होगा, खर्च ही होगा, पीड़ा ही होगा, दुखी होगा, ना। एक पीरियड है, लेकिन जो कर्म किए, लेकिन जो 7:30 बोल के रो रहे हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं, काम छोड़ दिए हैं, बैठे हुए हैं, मुंह लटका के घर में बैठे हुए हैं, टेंशन चल रहा है, पीड़ा चल रहा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनके लिए ये कितना भी लाभ हो जाए ठेंगा होगा। तो
शनि क माने कर्म, कर्म करो तभी ठीक फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।